ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंत लीला चैप्टर 4 प्रयास संख्या 97। तो हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी के बीच में वार्तालाप हो रही है महाप्रभु के जाने के बाद, और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि तुम्हारा ये सौभाग्य है कि भगवान तुम पर इस तरह से बोल रहे हैं कि तुम्हारा शरीर उनका है, तो यही मेरा मत है। वो कह रहे हैं ये तुम्हारा महान सौभाग्य है। भक्ति सिद्धांत शास्त्र आचार निर्णय तोमा द्वारे कराई बेना बूझी लो आशय। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु की बातों से समझ सकता हूँ कि वे चाहते हैं कि तुम भक्ति के सिद्धांत तथा शास्त्र निर्णित विधि विधान पर ग्रंथ लिखो। तो ये महाप्रभु ने अभी उनको बोला। तो जब हमारे पास आसपास भक्त होते हैं तो हमें याद दिलाते रहते हैं कि गुरु की प्रसन्नता किसमें है, वैष्णव की पूरे परंपरा की प्रसन्नता किसमें है, है ना। हमें रिमाइंड कराते रहते हैं। हम कई बार बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कई सारे धर्मों से और कई सारे इंद्रिय तृप्ति की इच्छाओं से, डिज़ायर्स, और कई बार हम धर्म कई चीज़ों को मान लेते हैं तो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हमें बताया जाता है नहीं, व्हाट इज़ द धर्म इज कि हम क्या है, सर्वधर्मान प्रीति। तो हमें जो बताया गया है परंपरा में वो क्या है, तो हमें है ना। तो हरिदास ठाकुर बता रहे हैं उनको फोकस दोबारा से कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बोला गया है करने को कि आप भक्ति के सिद्धांत लिखिए, शास्त्र निर्णित विधि विधान पर ग्रंथ लिखिए। हमारा ही देय प्रभुर कार्य नाला गीला, भारत भूमि ते जन्मे यही देय व्यर्थ हिला। मेरा शरीर श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा में काम नहीं आ पाया, बता रहे हैं हरिदास ठाकुर, इसलिए भारत भूमि में जन्म लेकर भी यह शरीर व्यर्थ ही रहा। ये एक परम भक्त के अंदर आप देखेंगे कि वो अपने आप को ऐसा ही मानता है कि उसका जीवन व्यर्थ ही रहा, वो कुछ कर नहीं पाया, उसने नित्य अपराध ही किए, उसने नित्य पाप ही किए, हमारा जीवन सदा पापीरत। तो यहाँ पे हरिदास ठाकुर इतना कुछ करके भी कह रहे हैं कि हमारा जीवन जो है, मेरा जीवन तो काम नहीं आ पाया महाप्रभु के लिए, लेकिन कम से कम तुम तो करो। भारत भूमि में जन्म लेकर भी व्यर्थ हो गया। हाँ, हम तो भारत भूमि में जन्म लेकर सोचते हैं कैसे भारत सेटल हो जाएं, ये कह रहे हैं भारत भूमि में जन्म लेकर जीवन व्यर्थ, यानी कि इट्स अ स्पेशल प्रिविलेज कि कोई भारत भूमि में पैदा हो। लेकिन लोग इसको रियलाइज नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो भारत को इकोनॉमिकली बैकवर्ड देखते हैं, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड देखते हैं, इसलिए समझ नहीं पाते कि इसका एक विशेष महत्व है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत भूमि में जन्म लेकर भी मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि भारत भूमि की महत्ता की अधिक व्याख्या के लिए आदि लीला को देखें 9.41 और श्रीमद् भागवतम में देखें 5वें कैंटो के 19वें अध्याय के 19वें से 27वें श्लोक में कि भारत में जन्म लेने का विशेष गुण यह है कि भारत में जन्मा व्यक्ति स्वमेव भगवत भावनामय बन जाता है। भारत के प्रत्येक भाग में विशेषतः तीर्थ स्थानों में एक सामान्य अशिक्षित व्यक्ति भी कृष्ण भावना की ओर उन्मुख रहता है, और जो ही वह किसी कृष्ण भावना में व्यक्ति को देखता है तो उसे नमस्कार भी करता है। ये आप अभी भी देख पाएंगे। अब विदेश में धोती कुर्ता तिलक लगा के जाएंगे, अब तो लोग जान गए हैं, नहीं तो अभी भी बहुत लोग नहीं जानते हैं, समझ नहीं पाएंगे क्या कर रखा, उस समय कोई फैशन है ये भी एक नया। लेकिन आप भारत के किसी भी जगह में जाएंगे तो लोग अपने आप आपको सर झुकाएंगे, कई लोग आपके पैर छूने आ जाएंगे जस्ट आपके तिलक और ड्रेस को देखकर ही। तो यही दिखाता है कि यहाँ पर स्वभावता ऐसा हो जाता है, बिना ट्रेनिंग के भी लोग इतनी भावना तो पैदा कर ही लेते हैं। भारत में गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा जैसी पवित्र नदियाँ हैं, नदियों में स्नान करने के मात्र से ही लोग पवित्र हो जाते हैं, कृष्ण भावना भवित हो जाते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि भारत भूमि के हिले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। लेकिन मैं कई बार ऐसा सुनता हूँ कि भारत का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है बड़ा बेकार है, हाँ यहाँ तो मर ही जाएंगे, क्योंकि वो इतना डाटा पब्लिश हो जाता है कि आदमी को कहता है करो इतने से ऊपर तो हजार्डस है, उसी तो अरे बाप रे मैं तो जहर पी रहा हूँ, मर जाऊँगा, बाहर देता हूँ, बाहर देखो कितना ग्रीन है, क्या बढ़िया एयर क्वालिटी है। तो एक्चुअली में एयर क्वालिटी अगर अच्छी भी मिल जाएगी तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको बुढ़ापा ना आए, बीमारी ना आए और मृत्यु ना आए, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि सभी के साथ है। जब इन चीज़ से बचा ही ना जाता जा सकता तो क्या फ़ायदा होगा, हाँ ऐसी जगह में रहने का। इस क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये जन्म ही ना हो, दैट इज़ द बेस्ट यूज़, और उसकी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हर चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, सिस्टमेटिक लगती है,
तो लगता है यही है जीवन। जीवन से विरक्ति भी पैदा नहीं होती, प्लस हमें डिवोटीज नहीं दिखते हैं। जो डिवोटीज आज की डेट में हैं वो इस्कॉन प्रचार कर रहा है, लेकिन वो उतने संख्या में नहीं मिलेंगे आपको जितने यहाँ पर मिलेंगे। ऐसे ऐसे भक्त, ऐसे कितने भक्त हैं आप भारत में। धीरे धीरे अगर जाओगे तीर्थ स्थानों में, कुछ देर बैठोगे तो आपको दिखेगा अरे कितने भक्त छुपे बैठे हैं, हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं। तो यहाँ भक्त प्रचुर मात्रा में है, यहाँ पे श्रद्धा नेचुरली सबके हृदय में है, यहाँ पे ऐसे तीर्थ स्थान है, ऐसे ऐसे संत यहाँ पर हुए हैं, इसलिए ये पुण्य भूमि है वास्तव में। और उसके ऊपर से इसमें बेनिफिट क्या है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये बेनिफिट है। तो इसमें डिस्ट्रैक्शन उतने नहीं हैं, बढ़ते जा रहे हैं लेकिन उतने अभी भी नहीं जितने विदेशों में। तो हर तरीके से ये कंड्यूसिव प्लेस भक्ति पैदा करने के लिए। तो भारत भूमि तो इसलिए चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं स्वयं, भारत भूमि तो है मनुष्य जन्म, यार जन्म सार्थक करी करो। पर जब आपको कोई विशेष वस्तु मिलती है तो खुद खाने के लिए नहीं होती है, बांटने के लिए होती है। यदि आपको ये प्रेफरेंस मिली है कि हम भारत में पैदा हुए, संतों के बीच में हमें मौका मिला रहने का, सत्संग सुनने का मौका मिला, तो ये प्रिविलेज को अब हमें दूसरों को देना होगा। ये कह रहे हैं कि जन्म सार्थक करी कर परोपकार, दूसरों को भी देना होगा, ये हमारी ड्यूटी है। जो खुद ही खा के संतुष्ट हो जाए वो कंजूस सेल्फिश व्यक्ति माना जाता है। उसे वेदों के ज्ञान तथा आध्यात्मिक संस्कृति में पूर्णतः निपुण बनना चाहिए। कैसे बनेंगे वेदों के ज्ञान में? आपको इतने समय से हम पढ़ा रहे हैं, कितने श्लोक याद होंगे किस आदमी को? तो कहने का क्या मतलब है कि हम वेदों में पारणित हो ही नहीं सकते। बहुत रेयर व्यक्ति है जो वेदों के ज्ञान में अध्यात्म संस्कृति में पूर्णतः निपुण हो जाए। इसका एकमात्र तरीका है कि इसको बचपन से पढ़ाया जाए, क्योंकि वही उम्र थी चीज़ों को रटने की, चीज़ों को समझने की, याद करने की। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि लोग आज भी उसके प्रति अट्रैक्टेड नहीं है, इतना सुनने के बाद, इतना पढ़ने के बाद भी। अभी भी हम यही चाहते हैं कि पहले वो पढ़ लिख ले, उसके बाद भक्ति तो करता ही रहेगा। आजकल की पढ़ाई लिखाई में इतना समय नहीं है कि अलग से आप इन चीज़ों को इतना समय दे पाओ। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कृष्ण भावनामृत में है तो चला जाएगा, परिवार वगैरह है तो संडे टू संडे या कभी ऐसे प्रोग्राम्स में चला जाएगा, लेकिन डेली लाइफ में उसके लाइफ में इतना होमवर्क होगा, इतना कॉम्पिटिशन होगा, पीयर प्रेशर होगा कि वो कर चाह कर भी नहीं कर पाएगा बेचारा, चाह कर भी भक्ति नहीं कर पाएगा, चाह कर भी वेदों के ज्ञान में उतना निपुण नहीं हो पाएगा जितना वो बाकी चीज़ों में निपुण हो गया है। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब आदमी 18-20 साल का हो जाता है फिर तो एक नई दौड़ चल हो जाती है, उसके बाद तो पूरी लाइफ में नहीं कर सकता। क्या हम देखते हैं कि कहाँ कितना व्यक्ति कोशिश करता है कि मृदंगा सीख ले, हारमोनियम सीख ले, उसके डिज़ायर के साथ ही मर जाता है बेचारा, वो कुछ कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो बच्चे हमारे बचपन में ही सीख जाते हैं 16-18 साल तक, वो उसको ज़िंदगी में पूरी लाइफ में उसको यूटिलाइज करते हैं भक्ति करने में। क्या करेंगे हम भजन? अब भजन करने के लिए थोड़ा सपोर्ट मिलता है जब साथ में हम अकेले भी बैठे हों, अकेले बैठे हैं हारमोनियम बजा रहे हैं और भजन गा रहे हैं, या मृदंग के साथ भजन गा रहे हैं, जैसे प्रभुपाद गा देते हैं। हाँ, इट्स अ डिफरेंट टेस्ट, बस हटते कि आप खुद ही वैसे ही बैठ के गा रहे हैं। तो मतलब क्या है कि ये ज्ञान है, नॉलेज है, इसको लेने का समय भी अर्ली लाइफ में ही है, लेकिन क्या करें, ऐसा कुछ कल्चर बन गया है कि स्पिरिचुअल नॉलेज इज़ फॉर द लेटर हाफ। जब हम कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम इसको लेंगे, एज इफ कि ये इतनी सस्ती इतनी आसान है। सबसे मुश्किल नॉलेज ही है दुनिया में, ये तो आप सब समझ सकते हैं। इसलिए यदि इस ज्ञान में एकदम परफेक्शन लानी है तो बचपन से लगाना पड़ेगा, और बचपन से भी लगाने में आपको पार्ट टाइम नहीं लगा सकते आप, अनलेस द चाइल्ड जो है ऐसे किसी सिस्टम में जाता है लाइक गुरु क्लास, जहाँ पर वो डेली लाइफ में एज ए होमवर्क इन शास्त्रों को पढ़ता है, श्लोकों को रटता है, तब वो जब तक बड़ा होगा इस ज्ञान में एकदम पूर्णतः निपुण हो जाएगा। प्रभुपाद जैसा यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि उसको इस ज्ञान में पूर्णतः निपुण बनना चाहिए और कृष्ण भावनामृत के अनुभव को सारे जगत में वितरित करना चाहिए। इट इज़ वेरी रेयर कि कोई बाद में आकर बहुत सीरियस हो जाए या बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर ले, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, है ना। ब्रह्मचारी लाइफ में तो फिर भी एक बार को कर लेता है वो, हाँ 18-20 साल के बाद भी, लेकिन अगर वो गृहस्थ लाइफ में है तो बाद में करना इज़ लाइक इम्पॉसिबल। कृष्ण भावनामृत के अनुभव को सारे जगत में वितरित करना चाहिए। सारे विश्व में लोग बुरी तरह से व्यक्ति में लगे हुए हैं और इस तरह वे अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इस कारण अगले जन्म में उनके पशु या इससे भी बदतर बनने की संभावना है। मानव समाज को ऐसी भयावह सभ्यता तथा पशु बनने की विपदपूर्ण स्थिति से बचाने के लिए भगवत चेतना या कृष्ण भावना को जागृत करना।
यदि हम वास्तव में पशुओं के लिए कुछ करना चाहते हैं, पशु कल्याण के लिए बहुत खर्चा हो रहा है, तो क्यों ना पशु बनने से ही रोका जाए, क्योंकि पशु का जीवन ही ऐसा है। पशु का जीवन ही ऐसा है, कितनी केयर आप दे दोगे, कितने लोग कितनी केयर दे देंगे, अल्टीमेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। हर आदमी अपने अपने बच्चों की केयर कर लेता है, उसी में पूरा समय निकल जाता है, बाकी तो वो डोनेशन दे देता है। कुछ लोग 1,000, 2,000, 5,000 पशुओं को संभाल लेते हैं, कुछ ही लोग संभालते हैं ना, हाँ, और फिर कुछ लोग संभालते हैं तो उसमें कितनी बीमारियां हैं, कितने लोग उसको मैनेज कर पाएंगे, इट इज़ अल्टीमेटली दुखदायी जीवन ही है पशु जीवन। तो पशुओं का कल्याण करने के लिए क्या किया जाए, पशु बनने से ही रोका जाए। उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए इस ज्ञान को सबको बांटा जाए। कुछ लोग तो इसमें एकदम परफेक्शन प्राप्त करें, जिनको ये सौभाग्य मिला है कि वो भक्तों के बीच में है, इसलिए हम लोग तो नहीं कर पाए। जैसे आदमी कहता है ना, मैं तो नहीं बन पाया, बहुत बड़े कोर्ट में जज नहीं बन पाया, मेरा बेटा तो बन जाए, तो हम नहीं बन पाए क्योंकि हम लेट आए, कम से कम हमारे बच्चे बन जाए, इस तरह से वो हमारा भी उद्धार करें। इस कारण अगले जन्म में कह रहे हैं कि पशु बनने की स्थिति बनी रहती है, और इस स्थिति से बचाना ही सबसे बड़ा कल्याणकारी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी उद्देश्य के लिए चलाया जा रहा है, इसलिए निष्पक्ष लोगों को कृष्ण भावनामृत आंदोलन के सिद्धांतों का अध्ययन करना चाहिए और मानव समाज को बचाने के लिए इस आंदोलन का पूरा साथ देना चाहिए। सनातन कहे तोमा सबके वाचे अन, महाप्रभुर गणे तुम्हें महाभाग्यवान। अब हरिदास ठाकुर ने बोला कि मेरा शरीर तो बेकार हो गया, हाँ तुम तो करो। अब सनातन गोस्वामी इसको कैसे सुन सकते थे, इतना महान भक्त ऐसा बोल रहा है उनके सामने। सनातन गोस्वामी ने कहा, क्या कहा आपने, हे हरिदास ठाकुर, आपके समान कौन है, आप श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों में से एक हैं, अतएव आप सर्वाधिक भाग्यवान हैं। रूप और सनातन दोनों ही हरिदास ठाकुर के घर में आके रुके, ये हरिदास ठाकुर ही हैं जिनके घर में रोज चैतन्य महाप्रभु आते थे। अब ऐसा व्यक्ति अपने आप को ऐसा सोच रहा है तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, आप तो सबसे अधिक भाग्यवान हैं, आप तो उनके संगी हैं। अवतार कार्य प्रभुर नामे पर चारे, से ही निज कार्य प्रभु करे न तुम्हारे द्वारे। चैतन्य महाप्रभु क्यों आए संसार में, सेकेंडरी उद्देश्य जो हम बोलते हैं, हाँ वो क्या है, चैतन्य महाप्रभु जिस उद्देश्य के लिए अवतार के रूप में आए, वह भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की महत्ता का विस्तार करना है। हर जगह सर्वत्र प्रचार होइब मोर नाम, इस नाम का प्रचार हर जगह हो, ये उनका उद्देश्य है। इस उद्देश्य को सबसे ज़्यादा तो आपने ही पूरा किया है, हाँ अब वे इसे स्वयं करने के बदले आपके माध्यम से इसका विस्तार कर रहे हैं। आप ही तो हैं नामाचार्य, नाम के आचार्य। हाँ बहुत सारे आचार्य होते हैं संसार में, सुना होगा हमने अजीब अजीब से नाम, ये आचार्य वो आचार्य, नाम के आचार्य। तो नाम के आचार्य कैसे बने, ये नाम के आचार्य, पहले इन्होंने क्या किया, पहले इन्होंने इसको जन्म सार्थक करी, अपने जीवन में उतारा उस नाम को, उसके बाद में उसके अपने आचार से दूसरों को इन्फ्लुएंस किया। हमने देखा कैसे इन्होंने हरिदास ठाकुर ने वैश्या को और स्वयं माया देवी को अपने केवल बिना प्रीच करे, केवल चैंट करके अपने आचरण से उसको इतना बड़ा भक्ति में बना दिया। तो इस तरह से जब हम भक्ति सीरियसली करते हैं तभी हमारी संतान भक्ति करेगी, ध्यान रखिए इस बात को। अक्सर हम चिंतित हो जाते हैं बड़े, ये बच्चे का ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्योंकि वो जिसको मोस्टली ऑब्जर्व करता है उसका बिहेवियर भक्ति में सीरियस नहीं है, इसके कारण से उनका भी बिहेवियर सीरियस नहीं होगा। जब भक्ति में सीरियस नहीं होगा तो कहाँ होगा, तो मैटीरियल लाइफ में सीरियस होगा। मैटीरियल लाइफ का यही लक्षण है, धोखा, झूठ, लड़ाई, एनवी, ईर्ष्या। हाँ तो इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जन्म सार्थक करी देन परोपकार, तो हमें भक्ति को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी गुरुकुल के अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, उन सब के लिए यही अपील है, जो महाप्रभु की अपील है कि पहले जन्म सार्थक करो, पहले बी सीरियस इन डिवोशनल एक्टिविटीज़, देन तो उसके बाद में आप ऐसे ही प्रचार कर पाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा आपको। जैसे हरिदास ठाकुर, प्रत्यह करतिन लक्ष नाम संकीर्तन, सबार आगे हर नामेर महिमा कथन। हे महोदय, आप तो नित्य ही 300,000 नाम का कीर्तन करते हैं और हर एक को
ऐसे कीर्तन के महत्ता की विषय में बताते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। कंसिस्टेंसी कैसे आती है? कंसिस्टेंसी आती है यानी कि रेगुलरली किसी चीज को करना, निश्चित समय में, निश्चित क्वालिटी से। क्वालिटी की, टाइमलीनेस की कंसिस्टेंसी, नियमितता कह सकते हैं आप, आती है धीरे धीरे जब हम उसमें रुचि पैदा होती है किसी काम में। रुचि पैदा होती है तो हम उसको नियमित रूप से करते चले जाते हैं। जैसे खाने में हमारी रुचि है तो खाना हम खाते ही चले जाते हैं, बाकी चीज़ें छूट जाएं या ना छूट जाएं, रुचि है। रुचि पैदा करने के लिए उस चीज़ की इंपॉर्टेंस का पता होना जरूरी है। जब उसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है तो हम उसको करते हैं, और करते 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 रुचि पैदा होती है। करने के लिए प्रेरणा आती है इंपॉर्टेंस से, है ना। क्यों करें किसी काम को जब पता होता है कि ये इंपॉर्टेंट काम है? जैसे पढ़ाई लिखाई है, पढ़ाई लिखाई का इंपॉर्टेंस हमें समझ में आता है तो हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं। अच्छा नहीं लगता लेकिन पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फंस जाएंगे। करते हैं, करते 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 हमें रुचि डेवलप हो जाती है उसके अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर हो जाती है कि नहीं। वैसे ही तो हमें इंपॉर्टेंस पता होना जरूरी है नाम की, भक्ति की। इसलिए प्रभुपाद अक्सर अपने प्रवचनों में यही डिस्कस करते थे कि यदि हम भक्ति नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये संसार में ये शरीर किस लिए मिला है, मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, वगैरह वगैरह। तो हमें पता चलता था इम्पोर्टेंस, हाँ, तो रियलाइज होता है, यस यू आर राइट। जब हमें इम्पोर्टेंस पता चलती है तो हम प्रयास करते हैं एज पर एज गाइडेड, और प्रयास करते 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 धीरे धीरे हमारे अंदर रुचि पैदा हो जाती है भक्तिमय कार्यों में। हमें श्रवण में रुचि पैदा हो जाती है ना। शुरू में श्रवण अच्छा नहीं लगता है, कुछ बातें समझ में आई कुछ नहीं आई, सबका एक्सपीरियंस रहा होगा, किसी दोस्त ने किसी मित्र ने बैठा दिया जबरदस्ती, बैठो करो सुनो आया करो, या किसी भक्त ने बहुत प्रेम से बार बार बुलाया, हम आ गए, एक बार बैठे दो बार एकदम से रुचि पैदा हुई, इंपॉर्टेंस पता चली, प्रैक्टिस करी, रुचि पैदा। रुचि करने से क्या हो गया, अब हमने उसको करते चले गए स्पॉन्टेनियसली करते चले गए। तो इसलिए बता रहे हैं कि हे हरिदास, आप न केवल कीर्तन करते हो जब करते हो, बल्कि हर एक को इसकी महत्ता के बारे में बताते हो, यानी कि उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हो। हाँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम भी अपने डिपेंडेंट लोगों के, चाहे हमारे पुत्र हों, चाहे हमारे शिष्य हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, व्हाटएवर, उनको भक्ति की, नाम की, अपराध से बचने की इम्पोर्टेंस को बताते जाएँ ताकि वो उसको बड़ी शुद्धता से करने का प्रयास करें। जब प्रयास करेंगे तो क्या होगा, रुचि पैदा होगी और फिर निष्ठा, है ना, एकदम से उसमें दृढ़ भक्ति पैदा हो जाएगी। आपने आचार्य केह ना करे प्रचार, प्रचार करे ना केह ना करे ना आचार। कुछ लोग बहुत अच्छा आचरण करते हैं हरिदास ठाकुर, किंतु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार नहीं करते। वो खुश हैं अपने जीवन में, उन्होंने क्या पाया, प्रेम रतन धन पायो, उन्होंने प्रेम रतन धन पाया, अब उसमें वो एकदम मस्त हैं। तो ये लोग हैं, भजनानंदी हैं, लेकिन ये प्रचार नहीं करते हैं। इनके आचरण से हो सकता है जो घर के अंदर आता हो देख के इन्फ्लुएंस होता होगा, कुछ भक्त तो ऐसे बनते ही होंगे, लेकिन दे डोंट गो आउट, बाहर जाके इसका प्रचार नहीं करते। हाँ, वो अपनी भक्ति में लीन है, और जो भी उनके टच में आता है डेफिनेटली उन साधुओं के वो इन्फ्लुएंस होता ही होगा। हाँ, जैसे हमने हरिदास की कथा सुनी कि उनकी गुफा में एक स्वयं वैश्य आई, लेकिन क्या हरिदास ठाकुर गुफा में ही वेट करते हैं लोगों के आने का, कि गुफा में जो आएगा उसी पे प्रचार करूँगा, जबकि अन्य लोग प्रचार, कुछ और लोग हैं जबकि अन्य लोग प्रचार करते हैं किंतु उनके उचित रीति से आचरण नहीं है। प्रचार करने का बहुत प्रयास करें, कई बार हम बहुत प्रयास करते हैं प्रचार करने का, लेकिन हम कहते हैं प्रभु जी आज लोग जुड़ ही नहीं रहे, जो सीरियस नहीं हो रहे भक्ति में। शुरू में मैंने कुछ बहुत बड़ा पॉम्प एंड शो किया, और हमने कुछ ऐसा किया, बड़ा बड़ा कुछ बैनर लगाए, 10,000 लोग आ गए, लेकिन एक महीने के अंदर ही 5 लोग भी नहीं रहे। हाँ, क्यों ऐसा क्या हो रहा है ये? तो क्यों, क्योंकि हम तकनीकों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंटेंट का मतलब हमारे हृदय में ही नहीं है ना कंटेंट, तो हम उसको ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि कुछ लोग प्रचार तो करते हैं लेकिन उचित रीति से आचरण नहीं करते, उनके आचरण में कमी के कारण उनके अंदर प्योरिटी नहीं है, इसलिए फोर्स नहीं है। तो सनातन गोस्वामी कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगले श्लोक में और क्लियर करेंगे कि हे हरिदास ठाकुर, कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छा आचरण है लेकिन वो प्रचार करने निकल नहीं रहे बाहर, और
और कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं प्रचार करने, लेकिन क्योंकि उनका आचरण नहीं है तो प्रचार नहीं हो पा रहा है। आचार प्रचार नामेर कर दुई कार्य, तुमी सर्व गुरु तुमी जगतेरा आर्य। आप अपने निजी आचरण तथा अपने प्रचार द्वारा पवित्र नाम से संबंधित दोनों कार्यों को एक साथ कर रहे हैं, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो। और हरिदास ठाकुर के कितने एग्जाम्पल मिलते हैं हम, अब जैसे हमने सुना कि हरिदास ठाकुर के बारे में हम कितनी कथाएं सुनते रहते हैं। अब हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में पीटा गया, अब चाहते तो बोलते हो जी सॉरी अब मैं नहीं करूँगा या कुछ, एक तरह से 22 बाजारों में वो हरे कृष्णा कीर्तन पिटते पिटते करते गए, कितना बड़ा प्रचार हो गया। उसके बाद उन्हें गंगा जी में फेंक दिया गया, फिर अपनी गुफा में चले जाते, लेकिन गुफा में जाके हमने सुना वो उसी मार्केट में फिर से आ गए, अब फिर से नाम ले लेंगे। ये देख के वो जो एग्जीक्यूटर था, पुलिस वाले थे, काजी थे, वो कहेगा ये तो भैया कोई अवतार है, क्या कहते हैं हम लोग, पैगंबर या जो भी कहते हैं, ही इज़ नॉट ए नॉर्मल पर्सन, इसको इतनी मार्केट में मारा गया, गंगा जी में फेंका, ये फिर से नाम जप रहा है। कितने लोग हैं ना, उन्होंने भी उसको प्रणाम करना शुरू कर दिया, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके बाद हम सुनते हैं कि किस प्रकार से जगाई मदाई को प्रचार करने के लिए कैसे नित्यानंद प्रभु के साथ हरिदास ठाकुर गए। ये कुछ एग्जाम्पल है जिससे पता लगता है कि वो सड़कों पर निकलते थे, अपने 300,000 नाम जप करने के बाद वो सड़कों पर भी निकलते थे और प्रचार करते थे। यही हम सबका कार्य है। हम में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट जप नहीं कर पाते, डायरेक्ट प्रीच नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब हम निकलते हैं हरिनाम संकीर्तनों में तो उसके माध्यम से वो प्रचार कर रहे होते हैं। इनडायरेक्ट प्रचार, प्रसाद वितरण से, नाम वितरण से हम लोग प्रचार करते हैं, और फिर कक्षाओं में आते हैं, बुलाते हैं, ये भी कार्य है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आप अपने निजी आचरण से, यानी कि आपका आचरण कैसा है, शुद्ध नाम के प्रति आपकी अट्रैक्शन ज़बरदस्त है, आपका भावना कैसी है, निम्नता की भावना है, दैन्यता की भावना आपके अंदर है, तो आपका आचरण परफेक्ट है, हाँ, लेकिन साथ में आपका प्रचार भी परफेक्ट है, दोनों कार्य आप एक साथ कर रहे हैं, इसलिए आप सारे जगत के गुरु हो, क्योंकि आप जगत में सबसे उन्नत भक्त हो। और आप कह रहे हो कि मेरा शरीर बेकार है, प्रभुपाद कह रहे हैं कि यहाँ पर सनातन गोस्वामी प्रामाणिक जगत गुरु की स्पष्ट परिभाषा देते हैं, क्या उसमें योग्यता बता रहे हैं, हाँ, व्यक्ति शास्त्रीय आदेशों के अनुसार कार्य करे और उसी के अनुसार प्रचार करे, यानी कि उसका कार्य आचरण और उसका प्रचार शास्त्रीय आदेशों के अनुसार होना चाहिए, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार। भगवद्गीता, श्रीमद् भागवतम जो है सबसे मुख्य है, हम मानते हैं, इसके अनुसार हमारा आचरण यदि नहीं है, और ये शास्त्र बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ब्राह्मण के लक्षण, पवित्र नाम की महिमा, जीवन का उद्देश्य, इसके अनुसार यदि हमें दिख रहा है, हाँ, तो ये हमें समझ लेना चाहिए। आप बोल रहे हैं प्रचार में हमें डिटैच रहना चाहिए, हमें डिटैच रहना चाहिए, और आपने खूब सारा लिपस्टिक और पाउडर और पता नहीं क्या क्या पोत रखा है चेहरे पे, अब सोचिए सुनने वाला क्या सोचेगा, हमें डिटैच रहना चाहिए माता जी, अंदर अंदर सोचेगा। आप अपने चेहरे को भी डिटैच कर लो, थोड़ा सा पाउडर से डिटैच करो, क्रीम से डिटैच करो, लिपस्टिक से डिटैच करो, तो वो लेगा उसको लेगा नहीं, वो अंदर नहीं जाएगा उसके, वो प्रवचन उसके बाद कहते बोलने के लिए बोल रहे हैं, दिस लाइक, तो आपको उसके आचरण में उतारना पड़ेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारे कार्य शास्त्रीय आदेशों के अनुसार हो और हमारा प्रचार भी उन्हीं के आधार पर हो। हम कुछ मन घड़ंत कहानियाँ ना बोलने लग जाए, गूगल किया, बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ देखी, अरे बहुत बड़े बड़े चुटकुले हैं, चुटकुलों की लिस्ट बना ली, मतलब आज ये दो चुटकुले क्लास में बोलने हैं, कल ये दो चुटकुले, इस पर लोग ठाका मार के हंसेंगे, मज़ा आ गया, नहीं ये कोई पर्पस नहीं है। शास्त्रीय ग्रंथों के अनुसार प्रभुपाद ने भी बहुत सारे चुटकुले दिए हैं जो उसी शास्त्रों की बात को प्रूव करने के लिए कहानियाँ आती है, तब वो कहानियाँ रेलिवेंट हैं। ऐसे ही कोई जोक मारते रहें, लोगों को हंसाते रहें, दैट इज़ नॉट द पर्पस ऑफ प्रीचिंग, राइट, या कहीं से कोई किताब उठा ली, कोई कथा उठा ली, हम तो देखना पड़ेगा, शास्त्रीय आदेशों के अनुसार ही प्रचार और उसी के अनुसार आचरण। जो ऐसा करता है वही प्रमाणिक गुरु है। हरिदास ठाकुर आदर्श गुरु थे क्योंकि वे नियत संख्या में नित्य नाम जप करते थे, निसंदेह वो प्रतिदिन 300,000 नाम जपते थे। इसी तरह कृष्ण भावनाथ आंदोलन के अनुयायी प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करते हैं, जिसे प्रभुपाद कह रहे हैं बिना कठिनाई के किया जा सकता है। उसी के साथ साथ उन्हें भगवद्गीता यथारूप के उपदेश के अनुसार चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार करना चाहिए,
जो ऐसा करता है वह जगत गुरु बनने के लिए उपयुक्त है। ई मत दुई जन नाना कथा रंगे, कृष्ण कथा आस्वादय रही एक संगे। इस तरह वे दोनों कृष्ण विषय कथाओं पर की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे। अतः दोनों ने एक साथ जीवन का आनंद लिया। जीवन आनंद ऐसा नहीं है कि वी आर अवर्स टू एंजॉयमेंट। हम क्या कहते हैं, रियल एंजॉयमेंट के पीछे भागी है, स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट, वट एवर एंजॉयमेंट जो हम भाग रहे हैं संसार में, वो सच्ची आनंद नहीं है। हाँ, यही समस्या है। लोग सोचते हैं कि हम भक्ति में आ जाएंगे तो आनंद खत्म हो जाएगा जीवन का। हाँ, इसलिए तो नहीं आते हैं। इतने सारे लोग क्यों नहीं आते हैं, कहते कैसे, जैसे मैंने आपको बताया ना, कई लोग तुम्हारे पास इसलिए नहीं, कहते तुम मेरे को बुलाओगे तो मैं शराब छोड़ दूंगा। आई मैं शराब नहीं छोड़ सकता। शराब क्यों नहीं छोड़ सकता भाई, आदत नहीं लगी माना, क्योंकि कहता उसमें नशा है, उसमें आनंद है। यानी कि उसको लगता है कि इधर आनंद नहीं है, इसलिए वो नहीं आता है। यहाँ इस श्लोक में बता रहे हैं कि दोनों मिलकर आनंद लेने लगे, जीवन का आनंद। तो जीवन का वास्तविक आनंद हम देख सकते हैं भक्तों के जीवन में। ये दोनों भक्तों ने खूब आनंद लिया। अधिकतर संसार में लोगों का जीवन एक्यूमुलेट करने में निकल जाता है आनंद के लिए। जैसे उसे रोज माना कि एक 5-स्टार होटल में डिनर करना है, ये वो आनंद की एक लक्ष्य है उसका, किसी दिन मैं ऐसा कर पाऊँ। हाँ, क्योंकि अलग ही एक माहौल होता है, एटमॉस्फेयर वेरी डिफरेंट, हल्की हल्की लाइट है, एकदम बढ़िया सोफिस्टिकेटेड टेबल्स हैं, वेटर्स बहुत बढ़िया ड्रेसअप हो रखे हैं, वहाँ गज़ल गाया जा रहा है, कोई गज़ल गा रहा है और आपसे पूछा जा रहा है, आप बढ़िया से बढ़िया, दुनिया के बढ़िया से बढ़िया शेफ आपको बढ़िया से बढ़िया तरीके से बढ़िया प्लेटों में परोस रहे हैं। तो आदमी सोचता है ये है जीवन। अब इस जीवन को जीने के लिए क्या करना पड़ता है, इस जीवन में उस होटल में आधा एक घंटा बिताने के लिए हाँ उसको इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, इतने रुपयों को जोड़ने के लिए उसको इतना प्रयास करना पड़ता है। जितनी इच्छाएं होंगी उतना प्रयास बढ़ जाता है, और इतना प्रयास करने में उसके जीवन का इतना समय चला जाता है, और इतने समय में वो इतनी इन्जॉयमेंट कर पाता है। लेकिन सोचने की बात ये है कि अगर आपका जीवन में 24 घंटे में से आपने व्हाटएवर 14 घंटे 15 घंटे 16 घंटे प्रयास करने में निकाले, ज़बरदस्त उसमें पिटाई हुई, कॉम्पिटिशन हुआ, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, एक दूसरे की लेग पुलिंग हुई, पॉलिटिक्स हुई, तब जाके आपने सर्वाइव किया। कुछ लोग सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग तो उसी में मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोग सर्वाइव करते हैं, लेकिन जो सर्वाइव भी करता है वो यही सोचता है कब तक, आखिर कब तक, हाँ कब मेरा पलड़ा नीचे आएगा, कब मेरा बॉस बदल जाएगा जिसके साथ मैंने खूब मक्खनबाजी करी है, तब क्या होगा। हमेशा भय में रहता है, तो उसके वो घंटे और उसकी रात भी भय में, उसकी रात भी टेंशन में रहती है। केवल वो 1-2 घंटे जिसमें वो नशा करता है, वाइन पीता है, डिनर करता है। अब सोचिए 1-2 घंटे के आनंद के बदले में 22 घंटे का पेन, क्या ये समझदारी है। हाँ, इस तरह से सोचना पड़ेगा आपको कि भक्त हो सकता है वहाँ पे ना जा रहा हो, 5-स्टार में ना जा रहा हो, लेकिन उसके जीवन में देखिए, उसके जीवन में हाँ अधिकतर समय में सुख शांति है। हाँ, उसके जीवन में हो सकता है वो 5-स्टार वाला आपका ऐसा लग सकता है कि टेस्ट ना आ रहा हो, ऑल्दो खाने का टेस्ट तो भूख से लगता है, खाने का टेस्ट, अगर भूख ना हो तो 5-स्टार का होटल का बेकार लगता है। इट इज़ द हंगर जो कि टेस्ट पैदा करती है, नॉट द प्लेट एंड द कप। एक स्टोरी है विक्रमादित्य और उसके एक दरबार में एक व्यक्ति था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो वो कुरूप था लेकिन बहुत उसका बहुत बड़ा वो था, एडवाइज़र, बहुत बड़ा एडवाइज़र था उसका। तो वो उस एडवाइज़र को अक्सर उसी से बातें करता था, सारी राय मशवरों से। एक बार राजा ने ऐसे मजाक में बोल दिया कि अरे तुम्हारी मुंह ऐसा है कि फूल झड़ते हैं और तुम्हारी एडवाइस ऐसी है कि सबसे बड़ा समझदार, लेकिन तुम्हारा शरीर कैसा है, कोई मैच नहीं करता है तुम्हारा शक्ल और तुम्हारी अकल। अब एक तरह से बेइज्जत कमेंट हो गया ज़बरदस्त। वो व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है, उसको आंसर नहीं देता है। तो एक दिन क्या होता है, ये ऐसे ही कहीं घूमने जा रहे होते हैं, कहीं काम काज में जा रहे होते हैं, वहाँ से बैठते हैं सारे दिन के काम काज के बाद, तो दोनों चर्चा कर रहे होते हैं कई सारी। तो जो राजा है वो जल मांगता है कि मुझे जल दीजिए। तो बड़ी समझदारी से ये व्यक्ति सर्वेंट्स को आदेश करता है जल लाओ। तो वहाँ पे जल के 2 पात्र रखे होते हैं, तो उसमें जल मंगाता है वो 1 पात्र में। जल को पीते ही राजा कहता है नहीं नहीं दूसरा वो वाला जल लाओ। ये जल क्या था,
ये जल था सोने के मटके में रखा हुआ जल, और तुरंत वो एक मिट्टी के मटके का जल मंगाता है जो वहीं पर पड़ा था। तो कहता तृप्ति हुई। तब कहता अरे राजा आपको सोने के में पीना चाहिए था, आप राजा हैं। कहता क्या इसमें अजीब सी स्मेल है और टेस्ट अजीब सा है, ये पानी के जार में बहुत बढ़िया टेस्ट है। कहते अच्छा तो इसका मतलब जार से फर्क नहीं पड़ेगा टेस्ट में। राजा को तुरंत स्ट्राइक करता है क्या कहना चाह रहा है। तो ये जो हमारे आउटर आउटर चीज़ें हैं ये हमें रियल टेस्ट नहीं दे सकती हैं, वो टेस्ट तो पानी में है और प्यास में है। और घड़ा जो है सोने का बना दिया, उसमें सोने के घड़े में कहाँ टेस्ट आता है, मिट्टी के घड़े में टेस्ट आता है, आपको पता ही होगा। वो मिट्टी है, वो सोना है, लेकिन टेस्ट फिर भी मिट्टी के जल में आ रहा है। तो इसी तरह से जीवन में हमारा इतना बड़ा संघर्ष के बाद जो हमें एक दो घंटे का वो जो कटलरी होती है ज़बरदस्त और वो जो सर्विंग होती है उसका टेस्ट लेने के लिए अपने जीवन को हेल बना देते हैं वास्तव में। जबकि जीवन में सुख कई तरीके से आ सकता है, जैसे इन दोनों के जीवन में क्या सुख था, दोनों कृष्ण विषय कथाओं की चर्चा करते हुए अपना समय बिताते थे और दोनों एक साथ जीवन का आनंद लेते थे। हाँ तुष्यंति चा रमंति चा, मेरे भक्त क्या करते हैं, मेरे भक्त निरंतर मेरे विषय में चर्चा करते रहते हैं एक दूसरे, बोधयंती परस्परम, और यही कथा करते करते क्या करते हैं, तुष्यंति चा रमंति चा, उसमें तुष्ट हो जाते हैं, रमण करते हैं, आनंद लेते हैं एक तरह से। तो ये यानी कि जीवन लेने आनंद लेने का ये भी एक तरीका है, लेकिन हमने कोई और तरीके बना लिए हैं। तो हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी के जीवन से रूप गोस्वामी के जीवन में देख सकते हैं कितना साधारण जीवन से भी आप जीवन में सुखी रह सकते हैं, सरलता से दैन्यता से सुखी रह सकते हैं, इतना सुखी कि चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं तुम्हारे पास आए। तो इन दोनों के चरित्र से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विशेषतः हमने सीखा कि कैसे न केवल चरित्र का निर्माण करना है बल्कि प्रचार कार्य में लगना है। जन्म सार्थक करी करो पर, लेकिन प्रचार कार्य में करते हुए अपने आचरण को जरूर इम्प्रूव करना है। दूसरों का आचरण बनाते बनाते कई बार हम अपने आचरण के बारे में भूल जाते हैं। हमें ध्यान रखना है इस बात कि भक्त बनाते बनाते कहीं हम ही भक्ति से नट जाएं, उस पर भी फोकस हमेशा रखना है। हरे कृष्ण, शिल प्रपात की जय, श्री चैतन्य चरितमृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।